दादरी जिले के गांव हंसाबाद खुर्द में बनाई जा रही एक गली की सही से पैमास करवाने व अवैध रूप से किए गए कब्जे को हटवाने के लिए ग्रामीण जिला उपायुक्त से मिलने लघु सचिवालय दादरी पहुंचा। उपायुक्त से मिलने आए ग्रामीण ने बताया कि गांव में एक गली पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है और गली की सही से पैमाइश करवाने के लिए बार बार उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन सही से पैमाइश नहीं की जा रही। इसमें जी ये एक सीमेंट पैमाइश हुई जी, इसमें ये अवैध कब्जाधारी सन का ये सारा का नाम से जी, और इसमें कुछ एक खामी छोड़ दी गई थी जी, कमी छोड़ दी, उसकी अन्य कोई भी कार्रवाई कौन करी। जो रास्ते की दक्षिणी भुजा सेवा सहत 46 क्रम पर और ये ले जा जी 49 पर, तो 49 में तो तीन घटा कि 46 क्रम पर तीनों रास्ता खुल जा जी, और तीन क्रम ये ले ली तो तीनों बंद हो जा। और ईप तहसीलदार बाल डैन सरपंच आसास खुर्द मिलकिन और इस गली ने मतलब ये अवैध कब्जाधारी सन का मकाना का सारा का जगह सुसुम बनावनी शुरू कर दिया। अवैध कब्जा हटाउन के बजाय मकाना में अगर जो जगह पड़ी सुसुम बनावा था, और सरपंच और बीडीओ तहसीलदार सब मिली भगत सही तहसीलदार इस रिपोर्ट ने ठीक करने का 50,000 रुपया मंगे। तो अभी आप जब आज डिप्टी कमिश्नर, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलने आया था जी, डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे कोई, और ये एक पटवारी है जी राजेश, सारा मामला उस राजेश पटवारी ने जरा रखा जी। 28 पैमाश एक बार तो बयान करवा दे सर रिकॉर्ड गलत से, एक बार करवा दे सर रिकॉर्ड दुरुस्त। ग्रामीण ने बताया कि उन्होंने इसके बारे में हाईकोर्ट से भी स्टे ले रखा है, लेकिन उसके बावजूद गली निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है। मेरा हाईकोर्ट में केस है जी, उसका केस नंबर है 657, उसमें DC साहब भी पार्टी, BDO पार्टी और सरपंच ग्राम पंचायत हंसास खुर्द भी पार्टी है जी। उस सटे को ना मानते हुए और ये इस गली नहीं पे तहसीलदार वीडियो बनवाने लग रहा है, तो हाईकोर्ट किस स्टेप को नहीं माने जी। तो अगर जैसे हाईकोर्ट की फिर नहीं मान रहे तो क्या आप दोबारा से हाईकोर्ट जाने की? हाँ जी, मैं हाईकोर्ट जाऊंगा जी।